और इस समय की बड़ी खबर सामने आ रही है कि सीएम योगी ने अपना राज्यसभा वोट डाल दिया है। सीएम योगी ने सुबह सुबह पहुंचकर अपना वोट डाल दिया है और ये सुबह वोटिंग सुबह 9 बजे से शुरू हुई है जो 4 बजे तक चलेगी। सीएम योगी ने लखनऊ के तिलक हॉल में पहुंचकर अपना वोट डाला। आपको बता दें, राज्यसभा चुनाव आज यूपी में शुरू हो चुका है। मतदान के बाद सीएम योगी ने विक्ट्री साइन भी दिखाया, जिसका मतलब ये हो सकता है कि राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की जीत। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मतदान कर दिया है राज्यसभा वोटिंग की। वो सुबह सुबह तिलक हॉल पहुंचे और वहां पर उन्होंने अपना मतदान किया है। आपको बता दें कि इस यूपी में राज्यसभा की 10 सीटें हैं, जिसमें से 8 भाजपा की है और सपा ने अपने 3 उम्मीदवार उतारे हैं। सुबह सुबह मतदान के लिए सीएम मोदी तिलक हॉल में लखनऊ के पहुंचे और वहां उन्होंने अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद योगी आदित्यनाथ ने विक्ट्री साइन भी दिखाया, जिसका मतलब ये हो सकता है कि राज्यसभा चुनावों में भाजपा की जीत। आपको बता दें, ये वोटिंग सुबह 9 बजे से शुरू हो चुकी है और ये वोटिंग शाम 4 बजे तक चलेगी। 5 बजे नतीजे आएंगे, गिनती शुरू होगी, जिसके बाद नतीजे आएंगे। सीएम योगी अपना राज्यसभा वोट डाल चुके हैं। वो सुबह सुबह लखनऊ के तिलक हॉल में पहुंचे, उन्होंने अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद वो बाहर निकले और मीडिया को विक्ट्री साइन दिखाई। ये बहुत बड़ा संकेत है। उन्होंने ये दावा किया है कि इस राज्यसभा चुनाव में यूपी से वो भाजपा आएगी। उन्होंने ये विक्ट्री साइन करके बताया है। आपको इस समय बता रहे हैं कि यूपी में वो मतदान शुरू हो चुके हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी के जो सीएम है, उन्होंने अपना वोट डाल दिया है। वो सुबह सुबह लखनऊ के तिलक हॉल पहुंचे, वहां पे उन्होंने वोट डाला और फिर उन्होंने एक विक्ट्री साइन भी दिखाया है। तो आज राज्यसभा के चुनाव होने हैं। ये चुनाव देश के 3 राज्यों में होने हैं, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसमें अपना योगदान देते हुए अपना वोट डाल दिया है। उन्होंने अपना वोट डाल दिया है। वो सुबह सुबह तिलक हॉल पहुंचे, वहां पर उन्होंने अपना वोट डाला। ये राज्यसभा का वोट चल रहा है। आपको बता दें, राज्यसभा के लिए वोटिंग चल रही है, जो वोटिंग सुबह 9 बजे से प्रारंभ हो चुकी है।